कोरोना के इस काल में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे में जब पूरा दिन बिजली होनी चाहिए, बिजली विभाग कट पर कट लगा रहा है। यहां तक कि कुछ कट घोषणा करने के बाद लगाए गए जो करीबन पूरे दिन के थे। इसके अलावा छोटे छोटे कट अघोषित तौर पर लगाए गए। सोलन की जनता इन कटों से बेहद परेशान थी। उन्होंने इस बारे में बिजली विभाग में कई बार शिकायतें की, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। उसके बाद सोलन की जनता ने मंत्री और संबंधित उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाई तो विभाग के अधिकारियों को न के बराबर कट लगाने के आदेश दिए गए। इस बारे में अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि कटों का मुख्य कारण फोरलेन निर्माण है, जिसके चलते उन्हें अपने बिजली के पोल सड़कों से शिफ्ट करने थे। उन्होंने बताया कि अब करीबन 80% पोल शिफ्ट किए जा चुके हैं और केवल चंबा घाट और अश्विनी खड का क्षेत्र बचा है जहां अभी और कट लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि कुछ दिनों में बिजली के कट अधिक लगे हैं, जिसके चलते सोलन की जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सोलन की जनता को आश्वस्त किया है कि अब सोलन शहर में और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह के बिजली के कट नहीं लगाए जाएंगे। जो एक्चुअली पावर कट्स की पोजीशन है, इसमें पर्टिकुलरली दो एरियाज हैं हमारे जहां पर पावर कट्स ज़्यादा लगे हैं। एक तो एरिया जो फीड करता है ये कोटला नाला, ऑफिसर्स कॉलोनी टूवर्ड्स और कुछ पोर्शन ऑफ रबौन जो है, इन एरियाज में एक्चुअली नेशनल हाईवे का कटिंग का वर्क चला हुआ है और नेशनल हाईवे में कटिंग वर्क की वजह से हमें लाइन शिफ्ट करनी पड़ रही है। तो उन लाइन शिफ्टिंग पे हमें 5 डेज का मतलब स्मॉलर गैप हमें शटडाउन देने पड़े। तो जो 5 डेज की इंटरप्शंस रही है वो मैक्सिमम इसी वजह से रही है क्योंकि फोर लर्निंग का काम चला हुआ नेशनल हाईवे का। और दूसरा जो कट्स की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिमिलरली हमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है इस वक्त वो इसी की वजह से हो रही है कि फोर लर्निंग की वजह से। सिमिलरली स्लोगड़ा की तरफ भी फोर लर्निंग का वर्क चला हुआ, तो यहाँ से डब्ल्यू से जो सप्लाई आ रही है इवन डीसी रेजिडेंस तक वो वहीं से घूम के आती है और जो चंबा घाट को सप्लाई जाती है, तो इस एरिया में भी कटिंग की वजह से हमें लाइनें शिफ्ट करनी पड़ रही है और फोर लर्निंग का वर्क है उसको भी हमें प्रायोरिटी देनी है। तो थोड़े से कट्स उसके लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ा या थोड़े से हमें कट्स उनको अलाउ करने पड़े, तो वो थोड़ी सप्लाई रही है। पर जो इसमें सोलन टाउन वाले एरिया है इनकी कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुकी है। अब जो लास्ट कट था वो भी लास्ट वीक ओवर हो चुका है, अब इसके बाद इस एरिया में कट नहीं लगेंगे। हालांकि अभी भी कुछ एरिया जो जैसे डीसी रेजिडेंस की तरफ सप्लाई है या जो घूम के वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं या चंबा घाट, वहाँ थोड़े से अभी और शिफ्टिंग का वर्क बचा है, तो वहाँ अभी थोड़े से कट्स और लगेंगे जब तक शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं होती। सर नहीं, डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा तो लोगों की भी, पब्लिक्स की भी इतनी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रही हैं क्योंकि जो लॉकडाउन का मेजर है या दूसरे हैं इसमें लोग सारे के सारे स्टडी जो कर रहे हैं ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो चाहे मानसून है चाहे दूसरे, डेली क्लासेस उनकी लग रही है। तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि मिनिमम कट लगे ताकि लोगों की क्लासेस में किसी की दिक्कत ना है, बच्चे पढ़ पाएँ, घरों में ही सारी चीज़ें कर पाएँ, वर्क फ्रॉम होम का लोगों के इश्यूज हैं। तो हम सप्लाई को लेके तो बड़े पर्टिकुलर हैं, एक्सेप्ट नेशनल हाईवे या प्रायोरिटी अपनी मेंटेनेंस शेड्यूल जो थे वो भी हमारे ओवर हो चुके हैं, हम मेंटेनेंस भी सारी लाइनों के कर चुके हैं। तो हमारी एफर्ट तो ये होंगे कि हमारी तरफ से पावर कट जो है आपको नहीं लगेंगे कम से कम भी 2-3 महीने के लिए, बिल्कुल भी हमारी मेंटेनेंस शेड्यूल भी ओवर है और नेशनल हाईवे का भी जो थोड़ा सा पोर्शन चंबा घाट वाली तरफ बचा उसको छोड़ के हम पावर कट्स नहीं लगेंगे सर।